माता बासल तपस्थान इतने इतना तराशा हुआ लकड़ी नहीं देखो पुरानिया खुईया। चलो दोस्तों चलिए, यही रोड होना लगता बड़ा उधर तक खाते वाला लगता मैं। इधर तो कोई आता जाता भी नहीं, जे बाय द वे कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर तो दोस्तों फस गए। इधर जिधर भी उन्होंने भेजे मैं, मतलब कि जो अंकल पहला सही कहता से इधर ही ना जा, पर वो कहता जो दूजा बंदा सी वो कहता दूसरे पास जाऊंगे इधर भी ज्यादा तोरन जोगा नहीं रहा है, बाइक कितों जानी है। बाकी हूँ पता नहीं कौन सच से हूँ, जो हो गया सो हो गया, अपना इधर ही जाने क्योंकि खुद सलवाड़ गया बड़ा। इधर आ गया सारा जिंदगी खराब है यार। भाई कितनी दूर रह गया, थोड़ा रास्ता हम ठीक हो। राजस्थान कहता सी राजस्थान देखना, हम देख लिया है ना राजस्थान, भी पता नहीं लगता राजस्थान आया है ना, हम आ गया होना हम चंगी तरह लग गया पता भी हम राजस्थान इनू कहते हैं। रास्ते यार किन्ने हैं, इन्ने ऑफ रोड तो बाद ऑफ रोड कहते मिट्टी मिट्टी च फसन तो बाद इन्नी मिट्टी च फसन तो बाद मैं थोड़ी रेस्ट था बाकी से दोस्तों तो फिर लैके हम आप अगे तुरंगे। साइडा भी देखो किन्ना ग्रीन ग्रीन जहा लगता है, वो पिछों होना है उत्थे तो आप फस गए, उत्ते हीरन भी सी और मेरी वीडियो बंद सी, पर फिर मैं थोड़ा जहा अंदाजा लाया मैं कि जिते हीरन वगैरह हो गया इधर कोई खतरा नहीं होंगे उधरली साइड से है ना, सब तो नाजुक हीरन ही होंगे। पहला अपन मिली मिट्टी मिट्टी हम बट्टे बट्टे मिल गए ऑफ रोड टोटल अगे जाके रोड निकलूगा है ते पत्थर भी इतने भी दो रास्ते जाते हैं किधर नहीं जाना होगा सीधा गया से रोड उपर घूम के आता कोई आता जाना भी नहीं इधर तो अगे देखने आप इधर जाके मैं पुछते हैं ददरेवा 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 जे सीधे पीछे बनना पो दोस्तों अपन बीस किलोमीटर हंसी क्यों आ रही है, हंसते क्यों हो, हंसी आ जाती है क्यों, मस्त कौन सी क्लास, दसवीं में आप में। और आप ओ, ये झूठ बोले नौवीं में नौवीं
वो दसवीं में ही लग रहा है, तुम नौवीं में लग रहे हो। ओके बाय बाय। जिन्ना भी रोड है ना सारा ही साफ, माड़ा भी टूटा नहीं कदम। मलाई रोड है, मलाई रोड है, साफ रोड। देखो तुम देख ही सकते हैं साफ क्लीयर। जो बाइक के टायर अपने आप स्लिप करते होंगे इन्ना साफ आते। अज माड़ी हुई जाती मेरे नाल, पहले रेता च फसे, मिट्टी च दलदल जे, फिर बट्टियां च टूटे रोड च। चलो इधर जाना पैंदा काम, इधर ही चलो। इतों है ददरेवा 19 किलोमीटर। तेरह किलोमीटर आ, मिट्टी वाला रोड आ, सीधा पक्का रोड, अच्छा सीमेंट नूं कहिंदा ना मिट्टी वाला रोड, पक्की रोड। ओके फिर तो ठीक है। की चीज बनी, खूहियां बनी होनी मेरे ख्याल से ना, वो वाली खूह। हाँ दोस्त देख लो, खूही है मेरे ख्याल, खूह एक दो तीन खूह पुराने ही, मतलब हम बंद आ। खूह नहीं, कोई पैप पाया पता नहीं की है। खूही है दोस्तों, खूह अंदर डूंगा बहुत है, खूही है। पुराने समय से देखो बना के रखे हुए हैं, पौड़ियाँ लगी हुई हैं, पुराने चूना जहा लगा हुआ, एक दो तीन ते को चार मेरे ख्याल खाली है इस टाइम। वो सामने मंदिर है, बाकी खाली है सारा। चलो चलिए दोस्तों, बहुत लेट हो गए आप, हौली हौली कर दे, हमें पता नहीं। बंदे ने किसी ने भला किया बे, ददरे वा मिट्टी जमी हुई। चल ठीक है इधर ही चलू भरावा, वो बहुत औखी सी जी उत्थे की है। बच्ची ये हो जिदा पहला मिट्टी सी रेता जी, तो पक्की भी हैगी मिक्स जी आना, देखो पक्का गया। देखो पहला इत रास्ते मिट्टी वाले जी रुक बाइक का हाल देखो। हाँ जी दोस्तों रास्ते च रुके इतने बुरी हालत हो गई है, देख रहे हैं तुम थले उतले के, तां देख लो मिट्टी मिट्टी हुआ पाया। इतने हम माड़ी जी रेस्ट लीए आप, फिर आप ददरेवे जाते हैं, इतों 10 किलोमीटर रह गया सारा। हूँ शांत जहा व्यू आ इतने, बस छां चाहिए गल, फिर ज़्यादा सोहना लगा। हम धुप करके इन्ना ज़्यादा सोहना नहीं लगता, है सोहना उदा धुप पै रही बहुत ज़्यादा। देखी देखी घेरा मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तो
सामने दोस्तों रोड जा रहा है, बहुत साफ सी क्लियर जिदा न्यू बनया जी, मैं खुश हो गया देख के। फिर मुड़ के दिखे इधर इधर साइड मन ही टुट गया। और कितना सोना रोड, उन्ना ही गंदा नौ किलोमीटर आ गए बिथो दस दे। दोस्तों राज रुकया जी इतने क्योंकि बैग देखो अपना इदा हो गया सारा टेढ़ा हो गया, खुज के लग लग के थले जाने वाले सी। मैं पहले इन पता चक्का बाकी देख रहे हैं। चलो दोस्तों कर दें सही दरेवा। इतों दोस्तों रह गया 3.5 किलोमीटर। आखिरकार पहुंच गए हैं आप ददरेवा। यही आ ददरेवा नगर मंदिर होना मेरे ख्याल, बाकी देखते हैं जाके पुछ रहे आप किसी तो किदा किदा की आ इत्थे महल वगैरह। हाँ आई लगता देखो सामने बल योगी महंत श्री कृष्ण जी नौ लख बाग तप भूमि गोल कटीला ददरेवा तप भूमि है इतने तपस्या की होगी शायद, बाकी पता कर रहे हैं आप। इतने भी बड़िया दुकाना लगे दोस्तों गल लगे इतने। हाँ प्राचीन खूह है इतने सारे। बड़ी संगत आई है इतने भी पिंड जुड़ी रौनक। चलो कोई गल नहीं आप फोन बस कितने रोक के देखते हैं, सह लेंगे कितने ना कि रुक के। बड़िया दुकान लगिया हट के होंगे ढोल देटा कर सही वाला। श्री जहावीर गोगा जी का जन्म स्थान का जन्म स्थान है। दोस्तों कितने रुक रहे हैं आप सह लें घड़ी इन्ने छोटे छोटे जे घर है इतने। Thank you.
दुकाना लगे हुई दोस्तों इतने अजे भी हरेक डिजाइनी चीज़ा मिलती इतने। आ देखो दोस्तों पुरानियां खुईयां इतना छप्पड़ का मतलब कि पानी का निकास हो गया छप्पड़ पाता इतने नहीं तो यह खुईयां सी किसी जमाने च सारिया खुईयां से सब तो वड्डी खूह पिछे है आ वाली टूटियां भी सी नलका आ सामने खुई आ देखो माता बाशा ने तप किया जिते तो वरदान मिले गुरु गोबिंद सिंह जी तो देखो सू शायद दिसदा भी होगा वरदान देंगे हो जन्म स्थान दोस्तों सवेर के 10 बज गए रात में सुता से 2 बजे क्योंकि रूम नहीं मिल रहा सी फिर इतने थोड़ा जहा घूम फिर के मैं एक रूम है नहीं सी उन्होंने मतलब कि थले ही अपने मैट बछाए सी तो उही मैं मसी मिलया तो उस तो बाद मैं इतने राती तकरीबन 2 बजे तक लभ के फिर सवेरे मॉर्निंग 4 बजे उठा 4 बजे उठ के फिर ब्लॉग एडिट किया जो कलू फिर पब्लिश करना है एक थोड़ी जी नैट की प्रॉब्लम होने करके मैं 7 बजे का टाइम लगे भी 7 बजे मैं पब्लिश करना पर नहीं हुंदा क्योंकि टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी मेन हैगी नैट की प्रॉब्लम नैट इतने नहीं प्रॉपर आ रहा सो दोस्तों इतने भी जिते मैं सुता मैं थोड़ा दिखा रहा इतने रात मैं सुता से तकरीबन 2 बजे तक मैं मिले और सामने अपनी बाइक रेडी है हूँ आप अगे इतने घूमेंगे बाकी अपना वीर है इतने जिन्होंने मैं अरेजमेंट राती करके दिता इतने हॉल का और भाई की हाल है जी ठीक है बढ़िया भाई साहब और भाई यहाँ ऐसे ही रहता है हर साल भी रूम ही नहीं मिलते कभी नहीं ये हर साल क्या है पूरा 45 दिन का मेला भरता है यहाँ पर 45 दिन पूरे और मैंने यार यही सोचा था यहाँ जब आया था कि रूम मिल जाएगा मगर मिला ही नहीं मुझे क्या भीड़ होता है ना तब ऐसा चलता है रूम कम ही मिलते हैं
दो धर्मशाला हैं यहाँ पर ददरवे के अंदर। और वो जो वहाँ बाबा जी का जो तप स्थान है वो माता वाचल का है? वो गोरख माता वाचल ने यहाँ पर तपस्या की और गोरखनाथ जी ने ये घूमते हुए यहाँ पर आए और इन्होंने क्या है यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर जो ददरेवा गांव था इसके अंदर जो सूखा भाग था वो इनका आने पर हरा हो गया, हरा भरा वो हरा हो गया ना। हाँ जी, तो उसके बाद में क्या है माता बाचल को है जहरवीर पैदा होने का वरदान यहीं से प्राप्त हुआ उनको, जहाँ जो तपस्थान में कल दिखा था रात को वहीं से। और जहाँ और क्या क्या चीज है देखने को है जो बाबा जी का है, जो संपत्ति होती ना बाबा जी की, क्या क्या है? यहाँ जहरवीर का एक तालाब भी बना हुआ है इधर जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और इधर ये उनका जन्मभूमि भी है और एक महल भी है। महल जन्मभूमि वो व्हाइट कलर जो सामने रोड पे आता है? हाँ जी, हाँ जी, जो मेन रास्ते के ऊपर है वो जन्मभूमि आ गई जहरवीर की जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था। और इस साइड के अंदर है जो इसके पास में महल है जहाँ पर वो अपनी जो पब्लिक थी ना, जो प्रजा थी, उनके उनको आगे है जो भी प्रक्रिया थी उसको समझाते। कचहरी लग दी ना उस टाइम पे? उसमें क्या कचहरी लगती थी वहाँ पर आकर जन्म स्थान से आकर अपने महल के अंदर उनकी प्रजा जो थी निवास करती थी वहाँ पर आकर उनको क्या है वो संबोधित करते थे। जो अर्जुन और सुरजन की क्या सूरी है? अर्जुन सुरजन यहाँ से क्या है जहरवीर ने जो उनकी पत्नी थी ना, जो उनके साथ क्या कुछ अपहरण सा हुआ था, पूरा क्लियर तो मेरे को पता नहीं है। तब उन्होंने अर्जुन और सर्जन जिनका सर कलम किया था उन्होंने जहरवीर ने, जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है खुड़ी डूंगी डाबरी बोलते हैं उसको, डूंगी डाबरी बोलते हैं ना जी, डूंगी डाबरी है जहाँ पर उन्होंने जहरवीर ने क्या उनका सर कलम किया था। अच्छा, वो कहने वो जो वरदान मिला था अर्जुन सुरजन वो भी गुरु गोरखनाथ ने माता काशल को दिया था? माता काशल माता बाचल थी उसको वरदान दिया था ये पहले काशल को दिया था जो धोखे से लिया था ना, दो पुत्र का वरदान मिला था उनको अर्जुन सुरजन, और जो गुगाजार पीर है वो बाद में मिला था उनको, वो बाद में दिया था माता बाचल को। दोनों बहनें थी ना? दोनों बहनें थी इनका, बिल्कुल समरूप थी दोनों ही, फोटोकॉपी थी। ठीक है, तब काचल माता बाचल को तो जाहिर गोरख जी ने पहले वरदान दे दिया था। ठीक है, तो क्या है बाद में छल कपट करके है दोबारा वो चली गई थी, उसकी बहन थी आंचले जो उसके कपड़े पहन के चली गई थी क्योंकि वो जुड़वा थी ना दोनों। और वो उनके जो सर्कल में जहाँ डूंगी डाबरी वहाँ जहाँ से 8 किलोमीटर है दूर, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है जहाँ पर इनका सर कलम किया था, गर्दन काटी थी। और कोई आपको पता हो जानकारी? इतनी पूरी विस्तार से जानकारी नहीं है सर, यही बताना अभी। हाँ ठीक है भाई, आपने जो रूम वहाँ जहाँ देते हो ना आप, ये कितने कितने का है? इसके अंदर 4 रूम है, श्रीनाथ जी भवन के नाम से है। मैं पल्लू से बिलोंग करता हूँ। पल्लू कहाँ से? ये हनुमानगढ़ से, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ है, तहसील पल्लू है। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू, आपने हमें इतनी बहुत जानकारी दी। और भाई आपको कुछ पता है? बस भाई जो ये बता रहे हैं वो ही मुझे पता है, भैया ने बता दिया, मेरे बड़े भाई है ये। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है ये बता दिए। हाँ दोस्तों, अपना माता बाचल तपस्थान के सामने एक छोटा जा ढाबा आया, उतना रोटी खा लगे हैं, भुख बहुत ज़्यादा लगी सी, नींद भी आ रही है क्योंकि सुता नहीं 2 दिन हो गए चज नाल। तो फिर मैं जाना है अपने महल में बाबा जी के जन्म स्थान से, पहला आप खा लीए कुछ, देखो की है, गोभी सब्जी आ, दाल आते प्याज से रोटी, इतने जिदा कि दही तो पनीर का दूध की गल आ, दही तो लस्सी बहुत मुश्किल ना मिलती है, स्पैशली कितने जिदा कि दुकान हो गए उतो, नहीं तो नहीं मिलनी नहीं कितने भी। हम ने पूछा जी क्या भाई जहाँ से भी इतने कितने नहीं है भी नेड़े तेड़े दुकान भी नहीं है, दूरों जाके लियानी पैंती है। चलो दोस्तों खा के गल करते हैं, बाय। माता बाशल पाकिस्तान है, इतने माता बाशल ने गुरु गोबिंद जी की भर्ती की थी, इतने गुरु गोबिंद जी ने इन्हों पुत्र का वरदान दिता से, मतलब कि गुग्गा यादवीर जी इन्हों की कुख हुई सी। इतने अंदरों तो आप सवेरे मॉर्निंग नहीं रात को आप इतने वीडियो अंदरों बना ली सी, बाहरों रह गए थे क्योंकि रात हनेरा बहुत दिता नहीं पाया कुछ। चलो दोस्तों आप हम जाते हैं महल वाल, तो आप माता बाशल तपस्थान तो आए सी बाहरों कैप्चर करके क्योंकि अंदरों तो आप कैप्चर सवेरे राती कर ही लिया, हम आप जावे बाबे के महल में।
देखते हैं उत्थे किदा दा व्यू आ, क्योंकि पुरानी चीज़ा लगभग सोहनिया ही होंदिया उदा। इतने लोकल दसते थे भी अंदर उन्होंने काफ़ी चेंज नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने जो से उदे रखे आया तो उन्होंने पैसे नहीं लाए है। बाकी देखे देखते हैं कि सीन आ उ बाबे का ही तालाब आ गुग्गा हज़ार रुपये का उस टाइम का, यह हूँ तो थोड़ी सफाई नहीं की तो इदा का हो गया। कहते भी इतों जो खीर बनती सी इतों पानी लेंदे होंगे सी, दुध नहीं बिच पाते होंगे सी, अपने आप ही दुध बन जाता सी पानी का खीर जो पाते होंगे सी। हूँ पता नहीं कि सी ना, मतलब कि इदा मैंने दसिया सी इन्होंने। ये खूह है इतने का जलो पुराने जमाने खूह इदा के होंगे सी। दोस्तों ये बाबे का महल आ, इहदा फ्रंट आ, ये फ्रंट आ इहदा। पुराने सिस्टम आ सारा, आ देखो पुराने दरवाजे उस टाइम दे। सामने उपर तुसी दरवाजा देखते हैं, ये लॉक है इतों, इतने अंदर गुफावां है, अंदरों जिदा कि कमरे है छोटे छोटे बहुत सोहने है क्या देखने वाले से, पर लॉक लगा हुआ है इतने। ये कहते भी शाम को खुलना, आप दोपहर इतों चल जाना है। तो अगे आप हम जाने बाबे की कचहरी, चलो आप इधर जाने अगे। ये बाबे की कचहरी है, ये बाबे की कचहरी है। इतने उस टाइम बाबे दे बैठ के इतने कचहरी लग रही थी हजार रुपये की। हाँ देखो जो दरवाजे है उस टाइम के ही है, इदा बाबे की कचहरी है इतने, मतलब कि उस टाइम जिदा अपने पंचायत होंगी सी, इतने पंचायत होंगी सी उस टाइम, इतने अंदर पंचायत होंगी सी उस टाइम, कचहरी लगती सी बाबे की। तो बाबे की इतने बाबे के घोड़े बनते सी,
ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡੀ ਗਾਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਡੱਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਹੈਗਾ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ,
ਜਿਹਦਾ ਰੱਛ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਕਫ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੇਕ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦਦਰੇਵਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਡੂੰਘੀ ਡਾਬਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜਨ ਅਤੇ ਸੁਰਜਨ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁੱਗਾ ਜਗਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਰੈਡੀ ਆ ਓਕੇ ਵੀਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਜਬ ਆਏਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਆਪਕੇ ਵਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਤਾ ਦੋ ਵਹਾਂ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬ੍ਰੋ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ 3:30 ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਓਕੇ ਬ੍ਰੋ ਓਕੇ ਚੱਲੂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜੋ ਰੋਡ ਹੈ ਹਾਂ 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 ਬਸ ਡੂੰਘੀ ਡਾਬਰੀ ਸਿੱਧੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰੋ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ